नमस्कार, समाचार के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। अमृतसर के भद्रकाली मंदिर में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया दशहरा पर्व। कंटीली तारों से नशीले पदार्थों में खेप ले जा रहे 5 तस्कर गिरफ्तार। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान अवतार सिंह मक्कड़ ने कश्मीर भेजे राहत सामग्री के 2 ट्रक। चिंतपुर्णी मेडिकल पठानकोट कॉलेज के विद्यार्थी SC ST कमीशन के उप चेयरमैन डॉक्टर राजकुमार बेरका से मिले। अब खबरें विस्तार से। कल शाम बटाला रोड सनसिटी के पास मौजूद दशहरा कमेटी की ओर से दशहरा पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें XMLA जुगल किशोर शर्मा और पार्षद अश्विनी पप्पू मुख्य मेहमान के तौर पर पहुंचे। वल्लों जड़ा हर साल दी तरह जड़ा सतवां दशहरा का त्योहार सम्मान और बख्शिश करके है श्री अश्विनी पप्पू जी थोड़े सामने। नंबर 15 दे विच हलका उत्तरी दे दशहरा कमेटी वालों जड़ा बड़ी श्रद्धा ते बड़ा पूर्वक दे नाल जड़ा सतमा दशहरे का त्यौहार जड़ा मनाया जा रहा। इस त्यौहार दे विच सारे वार्ड नंबर 15 ते हलका उत्तरी दे ने बहुत वड्डा प्यार दिता। ये नेकी दी ते बली दी जड़ी जित हुई ही आखिर सच की आ झूठ की आ वो सारे दे सामने जड़ा अज दशहरे की रस्म दे विच जड़ा दिखाया जा रहा। बहुत सत्कारयोग पतवंते साढ़े वक् वक् संस्था के लोग सारे धार्मिक संस्था के लोग प्रधान साहबान अज इत्थे इकट्ठे होए ने ते बहुत वड्डी तादाद दे विच साढ़े अज श्रोमणी अकाली दल ते होर जिहड़ियां पार्टियां दे जिहड़े वर्कर प्रधान साहब वार्ड नंबर 13 तो तिलकराज जी साडे रविदास मंदिर दे प्रधान राजकुमार टोनी जी साडे डायरेक्टर साहब मनजीत सिंह जी लमड़दार साडे क्रिश्चियन फ्रंट दे प्रधान विजय मसीह जी होर भी जिहड़ियां धार्मिक संस्था दे लोग जिहड़े अज इत्थे इकट्ठे होए ने ते रामलीला दीआं जिहड़ियां साडे नॉर्थ हल्के दे विच वार्ड नंबर 15 दे विच जिहड़ियां 9 रामलीला सी 9 रामलीला दे प्रधान साहब इत्थे झाकियां लैके जिहड़े ओह मौजूद ने आ रहे ने। असीं सारिआं पतवंतिआं दा जिहड़े लोक इत्थे इन्ने वड्डी शमूलीयत कर रहे ने असीं उहनां दा बहुत बहुत धन्नवाद करदे हाँ ते अज दे दिहाड़े दी लख लख वधाई दिंदे हाँ। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। कल रात अमृतसर सुल्तान मीर रोड पर स्थित माँ दुर्गा कमेटी की ओर से दुर्गा पूजा का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर कमेटी के प्रधान देवकांत और उप प्रधान नंदलाल ने बिहार से आई हुई गायक पार्टी का स्वागत किया। जगदीश प्रसाद गुप्ता जी, कितने साल? हम 1992 से दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से हर साल की तरह मनाते हैं, हम मनाते चले आ रहे हैं और
जो कि मुख्य मेहमान हैं मंगल सिंह जी प्रधान, देवाकांत जी प्रधान, नंदलाल जी प्रधान और सहयोगी बहुत कार्यकर्ता तारड़ी की तरफ से हर साल की तरह मनाया जाता है। लंगर पानी का व्यवस्था किया जाता है और इसी तरह मनाए शांति पर रंगारंग कार्यक्रम भी मनाया जाता है। रंगारंग कार्यक्रम ही होता है। हम विसर्जन जैसे कि तीन को मतलब हम लोगों की मतलब एक दिन के बाद दशहरे के बाद मतलब विसर्जन करेंगे। ब्यास में विसर्जन करते हैं जी। रंगारंग कार्यक्रम भी साथ में होता है जबकि हम लोग भोजपुरी बिरहा कलाकार यूपी साइड से मंगाते हैं जैसे सोमनाथ यादव जी हैं अपना जिला आजमगढ़ से और पप्पी कोयल जी हैं जिला बस्ती से जो कि बिरहा कलाकार हैं अपना मतलब जलवा बिखेर रही हैं गाना गा रही हैं भोजपुरी और लुत्फ ले रहे हैं पब्लिक लोग। देवाकांत सिंह जी तो कितनी देर से आप यहाँ पे आ रहे हैं? 1992 से। तो कैसा लगता है आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लगता है। पूरी फैमिली के साथ आते हैं? हाँ जी पूरी फैमिली के साथ आते हैं। अमृतसर देहाती पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कुख्यात तस्कर हरजिंदर सिंह और विजिंदा और उसके चार साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी से पूर्व उक्त सभी भारतीय पाकिस्तानी सीमा पर लगी कंटीली तारों के नजदीक से पाकिस्तानी तस्करों की ओर से भेजी जाने वाली हीरोइन की खेप को ले जाने की फिराक में थे। फिलहाल पुलिस ने इन तस्करों को रिमांड लेकर कुछ नशीले पदार्थों के अलावा पाकिस्तानी मोबाइल और 2 सिम कार्ड बरामद किए हैं। जी 30 तारीख रात को सामान चुकना है बॉर्डर तो त्रोए खुद तो पिंड के बाहर और खलोते हैं ये दो बंदे वहां दे दो बंदे वहां दे एक बापू ने मैं सद्या भी समान चुकना वा तो फिर उत्थे ही तैयारी कर रहे समान चुकन की लेकिन 9-10 का टाइम होना रात का जी हरण चुकनी जी बॉर्डर तो हाँ जी तो उधरों मुड़ के जो तुरन लगे 10 बजे जी पुलिस पार्टी ने उन्हें फड़ लिया जी मुड़ के जनाब फड़ लिया जो बापू के उस पी टी सी वाले मौके तो कोल मोबाइल तो फड़ लिया मुड़ के मैं सर मेरे तो 100 ग्राम घर समान पिया ही तो एक पी टी सी एल सैट पाकिस्तानी वह जरा मैं पुलिस पार्टी ने देता जी। बहुत तगड़ा समगलर आ मनिया परमनिया है ये 4-5 परचे रजिस्टर्ड है साढ़े स्पैशल ऑपरेशन सैल वाले ने इन्हों तो 6 किलो हीरोइन पकड़ी सी उदे विच भी इन्हें फायरिंग की 307 का मुकदमा दर्ज होया सी उदे विच ही इहदा अपने जेल दे विच सीगा एक 326 का मुकदमा इहदा लड़ाई झगड़े का एक ये सी दो एक इन्हों तो पिस्टल 9mm का स्पैशल ऑपरेशन सैल ने फड़िया सी वो बखरा परचा रजिस्टर्ड तो उदों तो ये जेल दे विच सी जनवरी महीने दे विच ये पुलिस नूं चकमा दे के अमृतसर कचहरी दे विचों भज गया सी तो उदों तो ही ये फरार सी जिहड़ा असी हुण काफ़ी दिन तो ये इनफॉर्मेशन मिलती सी भी पिंड आउंदा तो असी पूरी ताक दे विच बैठे सी 30 नूं सानूं इनफॉर्मेशन मिली सी शाम नूं भी अज इहने होर भी साथी अपने जिहड़े समगलर सद्दे आ तो अज शाम नूं ये अपने बॉर्डर तो समान चुकेगा जिस बिना के उत्ते असी फिर उतू धनोई खुर तो अगे कच्चा रस्ता आ उत्थे असी जाके फिर इन्हों इनफॉर्मेशन के उत्ते फड़ लिया ये 5 बंदे फड़े गए। हाँ वो तो ये दस रहा भी लगातार ही ये खेप मतलब लेंदा रहा उतो पाकिस्तान का समगलर आ कोई मलिक ना का वो तो ये वो रल के काम करता। कल अमृतसर के वेरका बाईपास रोड पर स्थित काली माता मंदिर में दशहरा पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया गया जहां रावण मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस विधायक करमजीत सिंह रिंडू मुख्य मेहमान के तौर पर पहुंचे जिनका स्वागत काली माता मंदिर के प्रधान रितेश शर्मा ने किया। Come on, 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 come on
जम्मू कश्मीर में आई कुदरती आपदा का शिकार हुए लोगों की मदद के लिए श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से राहत सामग्री के 2 ट्रक भेजे गए, जिन्हें भाई गुरदास हॉल से SGPC के प्रधान अवतार सिंह मक्कड़ ने रवाना किया। इस मौके पर SGPC के प्रधान अवतार सिंह मक्कड़ ने बताया कि जब तक वहां हालात ठीक नहीं हो जाते तब तक मदद इसी तरह जारी रहेगी। आ रहा 2 ट्रकों के बीच इसकी जी मकदार है वो तकरीबन 20 क्विंटल है, 20 टन जाने 20 टन 20 टन है। ये खास तौर पर असी जो भेज रहे एक उसे बच्चा है 70% हैंडीकैप है, उसके लिए असी रिमोट कंट्रोल वाली व्हीलचेयर जी है वो असी भेज रहे हैं, और वड्डी मकदार में असी मेडिसिन जड़िया ने जरा मेडिकल कैंप लगा है वास्ते मेडिसिन भेज रहे हैं। बाकी फुटकर समान है वो 20 टन के आ जाता, मैं वो तफसील दें तो चौल 90 क्विंटल ने, दाल 26 क्विंटल है, खंड 14 क्विंटल है, चाह पत्ती 1 क्विंटल है, सुखा दुध 4 क्विंटल है, आटा 41 क्विंटल है, हल्दी 1 क्विंटल है, मिर्च 1 क्विंटल है, मसाला 1 क्विंटल है, भुजे छोले 2 क्विंटल ने, मोमबत्ती 800 नग ने, माचसा 400 पैकेट ने, लून 4 क्विंटल है, कंबल 1000 नग है। कंबल असी हजारा की गिनती पहला भी भेज चुके हैं, तो व्हील चेयर एक हो गई, मेडिसिन लोड़ अनुसार। देखो जो जो इस हालात पैदा होंगे है ना उदो ये तो गिनती नहीं की जाती भी कि किन्नी बेरी लै गया, जिहड़ा साढ़े कोल आएगा असी उन्हूं अपने हिसाब नाल देई जाणा, पर फिर भी राशन बहुत आ उत्थे, इस दे बावजूद भी असी जिहड़ा दवाइयां ते राशन भेज रहे हां ताकि स्टोर च कोई कमी ना आवे, लैण वाले दी कमी कोई ना आवे, कि उदों तक जारी रहना जद तक कि वह लोग अपने घरां च नहीं चले जाते। हुण साडी जिहड़ी टीम है एक बनाई 5 मैंबरी कमेटी मैं बनाई है, वह कल जिहड़ी है वह जाएगी इत्थों रवाना होएगी और वो जाके उसे असैस करेगी जो मकान डेमोलिश हो गए ने या जो रिपेयर मंगते ने या जो सफाई मंगते ने, और वो सारा इंतजाम जरा वो असी जो कर सकते हैं असी भी करांगे, सरकार नूं भी चाहिए कि वह भी करे। अमृतसर मजीठा रोड पर स्थित नौशहरा पर्व में दशहरा कमेटी के प्रधान के सहयोग से दशहरा पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें बब्बी पहलवान राजीव सहगल और जोगिंदर पाल सिंह ढींगरा मुख्य मेहमान के तौर पर पहुंचे। इस अवसर पे अपने दूल लगे रखन मेरे बड़े ही मान ते सत्कार योग मेरे बड़े वीर सरपंच बलदेव जी, हरिदेव शर्मा जी, सरदार मलूक सिंह जी, मेरे MD साहब आप सिंह बमरा जी, इंद्रजीत सिंह बासरके जी, सैमी जी, बानी जी, एक एक गाना होएगा मस्त मलंगा का, उसके बाद तुम गाना सुनो ब्रेक। ਭਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੁਣ ਆ ਜਾਣ, ਬਲੋਚ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਲੋਚ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਾਮਰੇਡ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੈਂ ਤੋਂ, ਦਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਦਸਹਿਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਮਾਨ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਆਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਇਹਨੇ ਬਣਾਈ ਜੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕਿੱਕੀ ਨੇ, ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਦਸਹਿਰਾ ਮੇਕਰ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਕਿੱਕੀ ਦਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ
आज अमृतसर में चिंतपुर्णी मेडिकल पठानकोट कॉलेज के विद्यार्थी SC/ST कमीशन के उप चेयरमैन डॉक्टर राजकुमार वेरका से मिले और उन्हें अपनी मुश्किलों के बारे में बताया, जिस पर डॉक्टर राजकुमार वेरका ने बताया कि उन्होंने हाईकमान से बात कर ली है और 15 दिनों में आपकी मुश्किलें हल कर दी जाएंगी। ये मेडिकल कॉलेज चिंतपुर्णी मेडिकल कॉलेज है पठानकोट के अंदर, ये बच्चे सियासत का शिकार हो गए। एक प्रभावशाली सियासतदान जरा कि कॉलेज के नाल जिहदा नाम लग रहा है, और मैनू समझ नहीं लगी कि क्यों इदा होया। अज मैं वाइस चांसलर बाबा फरीद यूनिवर्सिटी सैकटरी मेडिकल और MCI के अधिकारियों समन जारी कर रहे हैं और उन्होंने नाल मीटिंग करके और ये बच्चों की प्लेसमेंट होवे, बच्चों की डिग्री वैलिड होवे, ये बहुत जरूरी है। ये वास्ते मैं जल्दी ही एक मीटिंग कर रहा हूँ और नोटिस जारी कर दिया गया और बच्चों इस गल की श्योरिटी दी है कि ये बच्चों का जोड़ा हक है इन्होंने जरूर मिलेगा, इन्होंने भविष्य के उपर किसी को छापा नहीं मार दिया जाएगा। ये 15 दिनों के असी सर डॉक्टर सर ना मिले, डॉक्टर वेरका सर ना मिले, इन्होंने सानू श्योर किया कि साड़िया डिग्रीज वैलिड होनगियां। सर साडा भविख खतरे विच है, सानू पता नहीं लग रहा कि गौरमेंट क्यों नहीं सानू शिफ्ट कर रही है। सर साडे कोल हुण लैटर साडे सामने आ रही ने, MCI ने इन्हों कदों की एग्जीक्यूटिव कमेटी MCI की उन्होंने कॉलेज किनिया डेफिशेंसीज निकालिया हुई ने, तो सर है 2014 की लैटर जी कि सानू हुण साडे सामने आई है, ये भी साफ साफ लिखा गया कि वह कॉलेज में MCI अप्रूव नहीं करती। कॉलेज वाले सानू हले तक यही बोलते रहे हैं कि साडा कॉलेज वैलिड है, पर यह 2012 की लैटर है जी कि उन्होंने डिसअप्रूव किया हुआ कॉलेज, यह सानू हुण असी देख रहे हैं यह लैटर्स। तो यह सर DRME की भी सारे कॉलेजेस नू रिक्वेस्ट सी कि वो इन्हां नू अकोमोडेट करन, इट मीनस DRME भी एग्री है साडी शिफ्टिंग लई, वह भी साडे मैटर नू अंडरसटैंड करते हैं। तो सर है साडी यूनिवर्सिटी के VC ने लैटर लिखी सी गौरमेंट नू श्री अनिल जोशी नू ते DRME नू कि वह शिफ्ट कर देन, पर गौरमेंट जी एक्शन नहीं लै रही है लैटर होने के बावजूद भी। सर उन्होंने सानू आश्वासन दिता है कि वह जल्दी ही MCI अधिकारियों DRME ते VC ते हियरिंग करवाएंगे, तो सानू उन्होंने अश्योर किया है कि साड़िया डिग्रीज वैलिड होनगियां, तो सानू बहुत जल्दी 15 दिनों में ही शिफ्ट किया जाएगा। सर सानू इन्हां तो बहुत उम्मीद की आस हो गई है, सानू मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। अमृतसर के मजीठा रोड के रामनगर कॉलोनी में स्थित मंदिर में 5 दिनों से चली दुर्गा पूजा के आयोजन के बाद आज 8वें दिन शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें भारी गिनती में श्रद्धालुओं ने शामिल होकर दुर्गा माता जी का आशीर्वाद लिया। इस दुर्गा पूजा का आयोजन सरपंच कमल कुमार खासा, प्रधान सीताराम और रामनगर कॉलोनी श्री श्री दुर्गा कमेटी के सहयोग से किया गया। बुराई पर इच्छाई की जीत के प्रति दशहरा पर्व, जहां पूरी दुनिया में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले दहन किए गए, वहीं अमृतसर के भद्रकाली मंदिर के मैदान में अकाली विधायकों ने हर साल की तरह इस साल भी दशहरा पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया। अज असी इतने महाकाली मंदिर विखे दशहरा उत्सव मनाया। इस दशहरा उत्सव जिहड़ा असी मना रहे हैं, 17वां दशहरा असी इतने मना रहे हैं। अज दी जो इतने असी इस समाज के हालात पैदा हो चुके ने, उन्हूं वेखदे हुए सानू सिक्ख्या लैनी चाहिए इस दशहरे दे विचों कि जिहड़ी बुराई आ वह हमेशा हारदी आ ते अच्छाई आ वह हमेशा जितदी आ। इस करके मैं अपने वीरां भरावां नूं ये अपील करदा कि हमेशा चंगे काम करो ते माड़े काम छड्ड दईए, नशा छड्ड दईए, माड़े लोगों का संघ छड़ दिए, चंगे बंदियां नाल चलो, ता जो असी अपने समाज नूं अते अपने देश नूं होर तरक्कियां ते लै सकीए।
ये सानू दशहरे तो एक सीख मिलती है तो आप अपनी नौजवान पीढ़ी में अपील करते हैं भी इस तरह दशहरे तो सीख लैन तो अपने देश का नाम होर उच्चा करें। इस बार जेड़े असी दशहरे मूर्तियां खड़ियां कीतियां सी तकरीबन 50 फुट उच्चिया मूर्तियां सीगियां पर इत्थे दी जो रौनक लगी आ अज दशहरे नूं वेख के लगदा सीगा भी अज इत्थे सारा अमृतसर ही इत्थे आ गया कमाल हो गया अज महामाई दा इन्ना इसे आशीर्वाद सीगा। आज अमृतसर के एमके होटल में इंडिया पाकिस्तान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जिसमें नगर निगम के मेयर श्री बख्शीराम अरोड़ा ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि ये हिंदू और पाकिस्तानों के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत बनाने का एक अच्छा योगदान है। महसूस हो रहा है और रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिल रहा है, काफी ज्यादा लोग आ रहे हैं और सारी अच्छी इंक्वायरी भी हो रही है। कैसा लगता है आपको कि कितनी सेवा? अभी कुछ कह नहीं सकते, जैसे अभी शुरुआत है बट अच्छा जाएगा ये पता है। आज अमृतसर जिला देहाती के दफ्तर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया जिसमें सरदार सुरेंद्र पाल सिंह सेविया को पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान के तौर पर चुनकर एक्स एमएलए सरदार जसबीर सिंह डिम्बा, सरदार सुरेंद्र पाल सिंह कत्थू नगर किसान सेल के उप प्रधान अवतार सिंह और पंजाब महिला विंग के प्रधान ममता दत्ता द्वारा सम्मानित किया गया। और इस मौके पर सरदार सुरेंद्र पाल सिंह ने बताया कि कांग्रेस कमेटी अब हर महीने मीटिंग कर अपनी पार्टी में आ रही कमियों को दूर करेगी। मैं सुरेंद्र पाल सिंह सिबिया, वाइस प्रेसिडेंट पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी, एक्स एमएलए फ्रॉम संगरूर। मेरी अज बतौर पंजाब प्रदेश कांग्रेस की तरफ तो जी है कि भी इस अमृतसर हल्के दी रूरल ते शहरी जड़िया कांग्रेस कमेटी हैं उन्होंने मीटिंग दे इंचार्ज बनाया गया कि जो ऑल इंडिया कांग्रेस की तरफ तो सारे निर्देश हैं कि भी हर महीने के फस्ट सैटरडे के जो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटियां हैं उन्होंने मीटिंग है अपने अपने दफ्तर जाएंगी जितने सारे के सारे वर्कर साहबान ब्लॉकों के प्रधान अहदेदार साहबान कंसर्न सारे के सारे एम एल ए साहब पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मैंबर आल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मैंबर साहबान तो मैंबर पार्लीमेंट साहब सारे के सारे उस जी है उस मीटिंग दे विच हर महीने निश्चित टाइम के उपर अजे पहला संदेश ही देने दे खातर मैं अज इत्थे आया तो कुछ वर्करां दे नाल इंट्रोडक्शन करन दे लई तां कि जिहड़ी अगले महीने तो जिहड़ियां ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के निर्देश के मुताबिक जिहड़ियां मीटिंगां असीं करा के कांग्रेस पार्टी नूं लामबंद कीता जाए। हुण मैं समझदा कि आने वाले टाइम दे विच नगर पालिका दीआं जिहड़ियां इलैक्शन है कारपोरेशनां दीआं इलैक्शन है वह भी सिर दे उपर है तो साडी जिम्मेवारी बनती है कि कांग्रेस नूं लामबंद करके वह जे वर्कर साथी कि जिहड़े कांग्रेस पार्टी के नाल निष्काम सेवा दे विच लगे हुए हैं जित सकन दी है जिन्हें दी संभावना है इहो जे चंगे लोगों नूं असीं अगे लैके आईए उन्हां दी असीं चोण कर सकीए। जिहड़ी अज दी मीटिंग रखी गई ये पायलट प्रोजैक्ट है साडे माणयोग वाइस प्रैजीडेंट श्री राहुल गांधी जी का जिस अधीन ये मैंडेटरी बनाया गया कि हर महीने दे विच एक मीटिंग जिला कांग्रेस कमेटी की तो एक मीटिंग जिहड़ी है ब्लॉक कांग्रेस कमेटीज ते उन्हां दे सारे अहुदेदारां दी महीनावार हर पक्की होनी चाहीदी है। हुण असीं एक मीटिंग महीने तो शुरू कीता है फिर गांह तो असीं इहदियां मीटिंगां जिहड़ियां लगभग हर हफ्ते तक लैके आवांगे। अज दी मीटिंग दे विच जिहड़ा सर्वसम्मति दे नाल सारे अहुदेदारां ने साडे जिहड़े अमृतसर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के इंचार्ज साहब परमजीत सिंह जी सीबीआ जो वाइस सुरेंद्र सिंह जी सीबीआ जो कि वाइस प्रेसिडेंट ने पंजाब प्रदेश कांग्रेस के एक्स एम एल ए ने बहुत ही वधिया इंसान ने इन्हां दे अज नेतृत्व हेठ जिहड़ी मीटिंग हुई है ये जिहड़े मते पाए गए गए सर्वसम्मति दे नाल जिन्हां नूं पास किया गया उन्हां दे विच जिहड़ा ऑलरेडी एड्डी महंगाई की मार सारा देश चल रहा कि खासकर पंजाब पंजाब एक ऐसा सूबा जिथे बिजली पेट्रोल डीजल जिहड़ा सब तो महंगा जिहड़ा पूरे देश दे विचो आ होर एक इन्होंने लोगों के उत्ते बोझ पाता क्योंकि हुण खपत भी ज़्यादा होनी है किसानी का सीजन आया जिहदे विच इन्होंने 1% वैट होर वधाया जिहदे नाल तकरीबन 58 पैसे डीजल जिहड़ा वा होर महंगा हो गया। इसनों कंडैम करने वास्ते इसनों वापस लिया जाने वास्ते असी
अपील की है। दूसरा जेड़ा इस वे सब तो वड्डा चिंता का विषय वो है वो ये हैगा पंजाब दे विच लॉ एंड ऑर्डर की जिहड़ी सिचुएशन है वह बहुत माड़ी हुई है जिहदे विच तुसीं ये वेख्या होवे साडे प्रधान साहब सरदार प्रताप सिंह जी बाजवा शुरू तो इस चीज़ को हाईलाइट करते आए ने कि जेड़ी पुलिस है वो पुलिस। पटना में रावण दहन के बाद भीड़ में मची भगदड़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है और 100 से ज्यादा घायल हुए लोगों का मुश्तैदी से इलाज करवाया जा रहा है। हादसे पर केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी है। उधर हादसे के बाद केंद्र सरकार की मोदी सरकार ने मरने वालों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। पंजाब में सीमेंट कंपनी ने एक बार फिर से रेट में वृद्धि कर दी है। सितंबर के अंतिम पखवाड़े में 10 रुपए प्रति बोरी का इजाफा किया गया था और अब 2 अक्टूबर में फिर से सीमेंट के दाम में वृद्धि कर दी गई है और 15 दिनों के भीतर दाम 20 रुपए बढ़ गया है। एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। अमृतसर के भद्रकाली मंदिर में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया दशहरा पर्व। कंटीली तारों से नशीले पदार्थों में खेप ले जा रहे 5 तस्कर गिरफ्तार। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान अवतार सिंह मक्कड़ ने कश्मीर भेजे राहत सामग्री के 2 ट्रक। चिंतपुर्णी मेडिकल पठानकोट कॉलेज के विद्यार्थी SC/ST कमीशन के उप चेयरमैन डॉक्टर राजकुमार वेरका से मिले। इसी के साथ आज के समाचार यही समाप्त होते हैं। कल फिर मिलेंगे कुछ तातरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।